तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं भूगोल विषय के प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख लिया तो यहाँ से दोस्तों आपको पूरा का पूरा आपका कक्षा 11वीं का भूगोल विषय के क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न और उनके उत्तर दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका भूगोल का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी को आपको कैसे कर लेना है। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का भूगोल का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी को आपको कैसे कर लेना है। आप पूरी तरह से दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं भूगोल विषय का जो क्वेश्चन पेपर होगा, इसके लिए समय दिया जाएगा दोस्तों आपको 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। देखिएगा, आपका जो भूगोल का क्वेश्चन पेपर होगा ये पूरा का पूरा दोस्तों हूबहू इसी प्रकार का होगा जैसा कि मैं यहां से आपको दिखाने वाला हूं। तो इसलिए सभी आप लोग ध्यान देंगे और यहां से दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ज़रूर समझ लेंगे ताकि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी दोस्तों अच्छी प्रकार से हो सके और आप परीक्षाओं में दोस्तों अच्छे नंबर लेकर आ सके। तो चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि आपको दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं की भूगोल की तैयारी किस हिसाब से कर लेनी है, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी को आपको कैसे कर लेना है। देखिएगा दोस्तों, आप पूरी तरह से यहाँ से इसको देख सकते हो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं भूगोल विषय का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का होगा। यहाँ पर मैं आप सभी को आपके भूगोल विषय में आने वाले वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऐसे दिखाने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का भूगोल का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और कितने क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अपनी भूगोल विषय की तैयारी के लिए इन इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छी प्रकार से करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, भूगोल के 3 तत्वों का अध्ययन किया जाता है, किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, भूगोल के अध्ययन में कौन सा आधुनिक विकास हुआ है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीव भूगोल का जन्म किसे हुआ। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिएगा, भूगोल के बारे में संक्षेप में लिखें, भूगोल एक वर्णीय विज्ञान है, ये भी आपको समझाना है। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, भूगोल के अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है, तो यहाँ से आप लोग इसका रिविज़न कर लेंगे। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चन और उनका रिविज़न भी कर लेते हैं। तो देखिएगा, भूगोल का अध्ययन क्षेत्र विकास के किस प्रकार सहायक होते हैं। और उसके अलावा, क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं, हम पौधारोपण क्यों करते हैं, वृक्ष किस प्रकार परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो आप सब लोग यहां से इसका रिवीजन कर लेंगे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूगोल मानव जिज्ञासा की तुष्टि करता है, समझाइए। तो आप सब लोग यहाँ से इसका रिविज़न कर लेंगे। और उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आपने टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, ये वाला पूरा का पूरा आपको यहाँ तक का इसको याद कर लेना है। उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, रसेल का द्वितारक सिद्धांत क्या है, पार्थिव ग्रेट चट्टानी क्यों होते हैं। उसके अलावा बिग बैंग सिद्धांत क्या है, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा ये कि बिग बैंग का सिद्धांत क्या है। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, यहाँ से रसेल की द्वितारक परिकल्पना क्या थी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी की विकास संबंधी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा, आद्य महाकल्प, पुराजीव महाकल्प, मध्यजीव महाकल्प, नवजीव महाकल्प और नवीन महाकल्प। तो आप सभी लोग यहाँ से इसका रिवीजन कर लेंगे। उसके अलावा आगे आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, आद्य महाकल्प की विशेषताएं बताइए। ये पूरी की पूरी दोस्तों इसकी विशेषताएं यहाँ पर दी गई है, आप सब लोग यहाँ से इसका रिविज़न कर लेंगे। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से भूगर्भिक तरंगे क्या होती है, इसके अलावा ज्वालामुखी से क्या लाभ होते हैं, आप सब लोग यहाँ से इसका रिविज़न कर लेंगे, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा पूरा का पूरा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, यहाँ से आप लोग इसका रिवीजन कर लेंगे, भूकंप से क्या हानियाँ होती है, भूकंपी तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताइए जिनसे होकर ये गुजरती है। तो
तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। और उसके अलावा भूकंपी तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है, इसका भी आप लोग रिवीजन कर लें, देखिएगा। इसी के अलावा आगे आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिएगा। यहाँ से भूकंपी गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंध अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन करना आपको, तो आप सब लोग यहाँ से इसका भी रिवीजन कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ से महासागरी धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जल धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, तो आप सब लोग पूरा का पूरा इसको यहाँ तक का याद कर लें। और उसी के अलावा आप कुछ और चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिएगा दोस्तों, इसी के अलावा आगे यहाँ से आपको इन क्वेश्चन का रिविज़न कर लेना है। क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोच सकते हो, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। और उसी के अलावा आगे आप लोग यहाँ से इसको देख लें, भारत की देशांतरी फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभदायक होती है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को इनका रिवीजन कर लेना है। यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, इस क्षेत्र की प्रमुख क्षेत्रीय श्रेणियों के नाम आपको बताना है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, पश्चिम तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है, तो ये पूरा आपको याद करके बताना है। और उसके अलावा बिहार का शोक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लें, ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय की नवीन वरी पर्वत क्यों कहते हैं। उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ से भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ बताइए। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदी के तीन लक्षण लिखिए। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, देखिएगा, उत्तर भारत का मैदान सघन आबादी वाला क्यों है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के तीन नदियों की विशेषताएं आपको बतानी है। उसी के अलावा अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से आप लोग इनको देख सकते हो, देखिएगा ग्रीन हाउस क्या है, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। और उसके अलावा आगे यहाँ से आप लोग देख सकते हो, विश्व के बढ़ते तापमान को रोकने के उपाय बताइए। और उसी के अलावा आगे आप लोग देख सकते हो, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। इस क्वेश्चन का रिवीजन आप पूरी तरह से याद कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी के उत्तर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, जो कि चिन्ह लगा लगा के जैसे मैंने ऐसे ऐसे करके दिखाए। खासकर दोस्तों, आप सभी लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर अच्छे से जरूर कर लेंगे, ताकि दोस्तों आप सभी लोग अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को अच्छे से दे सकें और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लेकर आप सभी लोग आ सकें। देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोगों ने अगर इनका रिवीजन अच्छी प्रकार से कर लिया तो देखिएगा आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।